ओम शांति। आज की तारीख है 2/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं, अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिलती है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत बजा है बहुत ही सुंदर, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम मीठे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि सब छोड़ दिए और अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे हमें अतींद्रिय सुख मिलता है। तो ऐसे बाप को तो भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। बाबा ये बात पर ध्यान इसलिए खिंचवाते हैं क्योंकि एक परम पिता परमात्मा की याद ही ऐसी अग्नि है कि जिस याद की अग्नि से हमारे पापों का नाश होता है। बाकी मनुष्य आत्माओं की यादों में रहने से पापों का नाश नहीं होता, इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा न हो जो बाप को याद करना छोड़ दे और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति से याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई है। सगाई होना माना किसी का किसी से संबंध का जुटना, दो व्यक्ति का आपस में संबंध जुटना। तो यहाँ हम आत्माओं की परमात्मा से सगाई हुई माना, आत्मा का परमात्मा से पिता और पुत्र का नाता जुटा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है, तो दो इंजन मिली है हमारी जीवन रूपी ट्रेन को, गाड़ी को। बाबा कहते हैं दो इंजन मिली है, एक निराकारी अर्थात शिव बाबा और दूसरी साकारी अर्थात ब्रह्मा बाबा। और दोनों ही बाबा मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है और ये इम्तहान पास भी करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में इसलिए नहीं है कि बाबा आकर के जब हमें बातें सुनाते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं, तो पढ़ाई के रूप में हम बच्चों को ये महावाक्य सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? क्योंकि ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए है और जो पढ़ाई होती है वो मृत्यु लोक के लिए।
परंतु ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए, उसके लिए पढ़ना तो यहाँ ही है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने, कलयुग से सतयुग में ले जाने के लिए। तो बाबा संगम युग पर आते हैं तो बाबा कहते हैं इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है, जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्री मत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला यदि कोई संसार में है तो वह केवल परमपिता परमात्मा ही है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ये जो भक्ति मार्ग में 108 दाने की या 16108 दाने की जो भी मालाएं फिराते हैं, तो उस माला का अर्थ समझाते हुए बाबा कहते हैं कि ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने, जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्रमाला और फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो, तुम अब आशिक हो एक माशुक के। माशुक कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा, और उस पर हम सब भक्त या हम सभी बच्चे आशिक हैं, तो हम सब है आशिक। सब भक्त हैं एक भगवान के, पतियों का पति, बापों का बाप, वो एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं कि बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन बाप समझाते हैं कि संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वो तो कह देते हैं बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही ये सब लीला है, बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में बाबा कहते हैं तीन धाम याद रखो, शांति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अर्थात सतयुगी नई दुनिया, और दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। दुख धाम अर्थात द्वापर युग और कलयुग, जो शुरू होता है द्वापर युग से और अब कलयुग का अंत आकर के पहुंचा है। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वह कोई हेल्प स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूँ, बाकी ये हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्री मत पर चलकर अभी माया रूपी रावण के ऊपर विजय पाते हो, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। बाबा हमें चक्र समझाते हुए कहते हैं कि किस प्रकार इस चक्र के अंदर सतयुग और त्रेता युग आधा समय है माया के ऊपर हमारी जीत, और फिर आधा कल्प माया से हार अर्थात रावण राज्य की शुरुआत। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, और अभी संगम युग पर हम माया रावण से युद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को भी समझाना है, अंधों की लाठी बनकर घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। अंधों की लाठी माना
संसार में सभी को व्यक्त दो नेत्र तो हैं, परंतु जो ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिस नेत्र से हम अपने परमपिता परमात्मा को देखें और हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकें, तो हम उस घर को भूल गए हैं, तो वो रास्ता हम दूसरों को दिखाकर उनकी लाठी बने। कहते भी हैं कि ये एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं कि रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। अभी बाप सब बातें हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। हाँ, बाबा सर्वज्ञ जरूर है, परंतु सर्वव्यापी नहीं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें वो सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है। यह तो बाप की महिमा है कि वो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। मनुष्य तो कह देते हैं कि वो अंतर्यामी है। अभी तुम समझते हो कि वह हमारा परम पिता है, जो टीचर है और हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। वो रूहानी बाप भी है और रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, परंतु अलग अलग होते हैं। तीनों एक में हो न सके कि वही पिता हो, वही शिक्षक हो और वही सतगुरु हो। हाँ, करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, पर गुरु तो हो न सके। वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। यह हमारे कितने अहो सौभाग्य की बात है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। याद रहे, स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। अब ये भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा, बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते हैं। ये जो सब सुना है तो समझते हैं कि परमात्मा इतना तेजोमय है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बताया है कि अर्जुन ने प्रभु का जो साक्षात्कार किया, तो उसने वो साक्षात्कार देखते हुए वो इतना अपनी सहन शक्ति के बाहर हो गया कि उसकी आँखें उसके तेज को सहन नहीं कर सकी, ऐसा गीता में बताया हुआ है। तब अर्जुन कहता है प्रभु को कि हे प्रभु, बस करो बस करो, मैं आपके रूप का ये तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सुन करके परमात्मा ने अपना तेजोमय रूप बहुत ही सुंदर मनोरम कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में दिखाया। तो बाबा कहते हैं आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे। कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। तो जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं, मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान वाच्य है। तो अब आगे बाबा कहते हैं कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। क्यों गणेश का साक्षात्कार कराएंगे? क्योंकि उसकी भावना गणेश में प्रभु की है। यदि उसको ओरिजिनल बिंदु का साक्षात्कार बाप करावे तो वो मानेगा भी नहीं। तो साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है, उसने पूछा कि हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्तमाला भी होती है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य माला में गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है कौन? मातेश्वरी सरस्वती।
तो नंबर वार तो होते हैं ना। आगे बाप समझाते हैं कि माया से तुम बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। क्यों? क्योंकि माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी कि फिर अंत में बहुत रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा कि भगवान आया और हम वर्षा न ले सके। इसलिए सावधान रहें, देखो कहीं बाबा का हाथ छूट न जाए। आगे बाबा कहते हैं फिर प्रजा में जाकर के वो दास दासी जाकर बनेंगे, पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना न पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आशा करती हूँ इस बात को बुद्धि में अच्छी तरह से स्मृति में रखने के लिए नोट कर लिया होगा कि जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी हैं। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा न सके। सतयुग में प्योरिटी थी, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, सुख शांति भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं, पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं कि यह बचपन के दिन भूल न जाना। अब ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाप ने तुम्हें जन्म देकर यह जो संगम युग का बचपन दिया है, ये बचपन के दिन, बाप के साथ के दिन भूल न जाना। बाप ने अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो ये अडॉप्शन है। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले अडॉप्ट किया था। स्मृति में आया? सभी को फिर से अपनी स्मृति को तेज करना है और बाप दादा के इस महावाक्य अनुसार यह बात याद करनी है कि हम वही कल्प पहले वाले बच्चे हैं जहाँ हमको बाप ने अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है और ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंचा वर्षा मिलता है, वो है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में आते हैं लक्ष्मी नारायण, जो सतयुग के मालिक हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। बाबा कहते हैं कि पावन बनकर पावन बनाना यही रूहानी सच्ची सेवा है। आशा करती हूँ हम सभी ने स्वयं की भी पावन बनकर अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और अपनी सेवा की है, और अब हम बाबा की श्रीमत अनुसार स्वयं तो पावन बने, अन्य को भी पावन बनाने की सेवा करेंगे। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो। किसने कहा? मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो, क्योंकि शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिकर में कैसे कह सकते। बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है, कल के बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की भी देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का
री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है, इसको कहा जाता है अवतरण, ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में, किस तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ और ये मेरा मुकरर तन है। हर कल्प के बाद बाबा इस ही तन में प्रवेश करते हैं। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हरेक का पार्ट नूंदा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना, ये जो दिखाते हैं कि पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, बाबा कहते हैं इन सभी बातों को तुम बच्चे समझते हो, वो है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम कैसे बैठे हो, जानते हो कि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वो बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। वास्तव में वो सिखलाते नहीं हैं, उनका सन्यास है ही हठ योग का। और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत, अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, कौन सा अंधकार, ज्ञान अज्ञान का अंधकार बहुत है। तुम जानते हो अभी तो खूने नाहक खेल होना है, यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलमिटीज होंगी, सबका मौत होगा, इनको खूने नाहक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं जब विनाश की घड़ियां चलेगी तब विनाश के समय खूने नाहक खेल होगा, तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्तियां, तो शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बहुत सरल भाषा में सरल राय देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बने हो, तो अब मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अक्सर बाजारों में ये कैलेंडर मिलता है या चित्र मिलते हैं जिसमें विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसा दिखाते हैं। उन द्वारा बैठ सभी शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाबा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उसकी पालना भी तो जरूर करेंगे ना, तो ये सब अच्छी रीति से समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोले। बाबा कहते हैं अच्छा किराए पर मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो,
क्योंकि योग से है मुक्ति और ज्ञान से है जीवन मुक्ति। दो वर से मिलते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब इसमें बाबा कहते हैं सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। तो बाबा कहते गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, ये पुण्य का काम करना है। विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी बात तो एक ही हुई, अब ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। हाँ, कई आते हैं तो उनको बहुत ये क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये संस्था का खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं और तुम पूछने आए हो। बाबा कहते हैं प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के बाप को यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को इतने ढेर सारे बच्चे हैं। तो बाबा कहते ये तो समझ जाना चाहिए कि जिस पिता के इतने सारे बच्चे हों उनको संस्था चलाने का या घर चलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता, और तुम पूछने आए हो। बाबा कहते हैं उनको बोलो बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बोर्ड पर क्या लिखा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा के बच्चे। तो बाबा कहते बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, बाप भी तो वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। शिव बाप कहते हैं कि मैं तुमको राज योग सिखलाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। अब ये अमर कथा सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी बैठ सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। हाँ, हम बच्चे मधुबन में बाबा की जो कर्म भूमि है वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं, रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है और फिर जा करके उनको रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। देखो आज बाबा बार बार यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, सेंटर खोलो, और अब आगे और भी कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ तीन पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। तो आज की मुरली सुनने के पश्चात कौन यह प्रेरणा को साकार रूप देगा, अवश्य समाचार आपके मधुबन स्वर्गाश्रम में पहुंचेंगे। तो इसीलिए हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी या तो फिर तीन पैर पृथ्वी के लेकर के और सेवा केंद्र खोलने का और मनुष्य आत्माओं के कल्याण करने का कार्य या श्रेष्ठ कर्म अवश्य करना है। अब इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने, फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है, सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। नंबर दो, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है, अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता
बताना है। वरदान है आज का कल्याणकारी बाप और समय का, हर सेकंड लाभ उठाने वाले, हर सेकंड लाभ उठाने वाले। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बन कर के देखो। हिम्मत और उल्लास में रह, स्वयं भी समर्थात्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। याद रहे, सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है आज का, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, आज की अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष मनन चिंतन के लिए पॉइंट, पूरा ही दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना, पूरा ही दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।